Hey everyone, welcome to Biology at Ease. This video is part 2 of Nervous System lecture series. पिछले वीडियो में मैंने आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाए थे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट वैल्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, क्या लेंथ होती है ऑर्गन की, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आपके पास आपकी कॉपी और पेन होनी चाहिए ताकि मैं वैल्यूज बोलूँ तो आप नोट करते जाएं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से. हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं. तो आप नोट करेंगे ब्रेन में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. ब्रेन कंटेन्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स. ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. ENS, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी गट में होता है उसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ENS 100 मिलियन न्यूरॉन्स. अब हमारी ब्रेन में कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं? ब्रेन कंटेन्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. जो नर्व्स ब्रेन में प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स. जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स. तो ब्रेन में कितनी होती है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. वेयर एज स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ये ह्यूमन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. न्यूरोग्लिया कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स. CNS में 4 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया. अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की. 4 टाइप की पोटेंशियल्स होती हैं. पोलराइज्ड स्टेट, जिसे कि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. फिर आती है डीपोलराइजेशन वाली स्टेट, फिर रीपोलराइजेशन वाली स्टेट, और एक और होती है हाइपर पोलराइजेशन. NCERT में ज्यादा फोकस किस पे दिया हुआ है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन पे दिया हुआ है. लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपको हाइपर पोलराइजेशन की वैल्यू भी आनी चाहिए. तो आप नोट करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सब हेडिंग डाल दीजिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब नीचे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन कितनी होती है? -40 to -90 millivolt. जो ये आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है इसे पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट आता है डीपोलराइज्ड स्टेट, क्या वैल्यू होती है? +30 millivolt. थर्ड पॉइंट आता है रीपोलराइज स्टेट, इसकी वैल्यू मेंशन नहीं करी हुई है रेफरेंस बुक में, लेकिन ये क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स. आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं. जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है उसकी वैल्यू होती है -40 to -90 millivolt. ऑन एन एवरेज हम कहते हैं इसे -70 millivolt. एक बार दोबारा सुनेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -40 to -90 millivolt. ये थी रेंज की बात, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है -70 millivolt. डीपोलराइज स्टेट क्या होती है? +30 millivolt. रीपोलराइज स्टेट क्यों होती है? रीपोलराइज स्टेट होती है ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से, और जो डीपोलराइज स्टेट होती है वो होती है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स. अब आती है फोर्थ स्टेट जो होती है हाइपर पोलराइजेशन. हाइपर पोलराइजेशन में वैल्यू क्या होती है? -90 millivolt. तो ये थी आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की वैल्यू. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ब्रेन में जो लिम्फ प्रेजेंट होता है CSF, उसकी वैल्यू क्या होती है? 125 ml. अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की. हमने क्या कहा, हमारे पास कितनी स्पाइनल नर्व्स है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. तो आप स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मूला लिखेंगे C8 T12 L5 S5 C1. ये है आपकी स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मूला. 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमंस. वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास कितनी वर्टिब्रा होती है? वी हैव 26 वर्टिब्रा. और फॉर्मूला क्या आता है? C7 T12 L5 S1 fused C1 fused. ये हमने जब बोन पढ़ा था तो उसकी वैल्यूज में नोट किया था. आप चाहें तो नर्वस सिस्टम में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं. तो स्पाइनल नर्व्स का क्या हो जाता है? C8 T12 L5 S5 C1. ये थी स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मूला इन केस ऑफ ह्यूमंस. अब बात करते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की. क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स की होती हैं. कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी नेचर की होती हैं, कुछ मोटर नेचर की होती है, और कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. तो आप नोट करेंगे कि कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व सेंसरी नेचर की होती है. सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व नंबर 1 2 8 1 2 8. क्रेनियल नर्व सेंसरी नेचर की होती हैं. कौन सी मोटर की होती हैं? 3 4 6 11 एंड 12.
थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व्स आर मोटर नर्व्स. कौन सी क्रेनियल नर्व्स मिक्स्ड नेचर की होती हैं? 5, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 10 ये क्या होती हैं? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती हैं. तो ये थी कि कौन सी क्रेनियल नर्व किस नेचर की होती है. अब बात करते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. जो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके पास कितने गैंग्लियंस होते हैं? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कंटेन्स 21 पेयर्स ऑफ गैंग्लियंस. अब बात करते हैं ह्यूमन ईयर की. हमारा जो ईयर है वो सेंसिटिव होता है किस साउंड वाइब्रेशन के लिए? आर ईयर इज सेंसिटिव फॉर साउंड वाइब्रेशंस ऑफ 20 to 20,000 hertz. जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 hertz के बीच में होती है, हमारा ईयर, ह्यूमन ईयर, उस साउंड वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है. ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर 1,000 hertz. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ह्यूमन ईयर सबसे ज्यादा किस फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव होता है? 1,000 hertz की फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव होता है. नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन, जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पे करते हैं? 500 to 3000 hertz पे नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन होती है. अगर हम डेसिबल यूनिट में बात करें, अभी तक तो हम हर्ट्स में बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम डेसिबल यूनिट में बात करें तो इन डेसिबल्स आर ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव फ्रॉम 0 to 120 decibels. हमारा ह्यूमन ईयर अगर हम हर्ट्स की यूनिट की बात करें तो 20 to 20,000 hertz में सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर हम डेसिबल यूनिट में बात करें तो ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव फॉर साउंड वाइब्रेशंस ऑफ 0 to 120 decibels. और अबव 80 decibels की जो भी साउंड वाइब्रेशन होती है वो नॉइस पॉल्यूशन के अंडर आती है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस डेसिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम नॉइस पॉल्यूशन के अंडर कंसिडर करते हैं. तो 80 डेसिबल से ऊपर जो भी साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो किस में आती है? नॉइस पॉल्यूशन के अंडर आती हैं. तो बस इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम चैप्टर के अंडर पूछी जा सकती है. तो ये सारी वैल्यूज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद इन वैल्यूज को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि MCQs में ये वैल्यूज पूछी जा सकती है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एट ईस्ट फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.